Now discuss about your physical robotics of ozone. The previous video I'm going to put it laboratory preparation of ozone by Siemens ozonizer and Rodin ozonizer. Very, very important. The next time we have physical properties of ozone. Ozone of physical properties. The first physical property of ozone is ozone. What is pale blue color gas. Pale blue means is soft. Our light is blue color. What is gas? What is the smell? Pungent smell. Pungent means जोड़ा के तुम्हारे कौन दिखा नाक कोपड़ा स्मेल है ना बा अनप्लीजेंट स्मेल विरक्तिकर स्मेल ना है ना तो फर्स्ट पॉइंट हो बाप ओजोन इट इज ए ओजोन इट इज ए पेल ब्लू मींस इस सब ब्लू इस सब मैं कौन नीला कलर ना पेल ब्लू ओजोन इज ए पेल ब्लू गैस हैविंग पंजेंट स्मेल हैविंग पंजेंट मींस और कौन अनप्लीजेंट स्मेल हैविंग पंजेंट स्मेल तापस सेकंड पॉइंट है ना ओजोन इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर माने वाटर रे ओजोन टा कना कंप्लीटली सॉल्युबल होय ना मा कोन स्लाइटली कम परिमाण रे ओजोन टा वाटर रे सॉल्युबल होय तो अपन सेकंड पॉइंट लिखि इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बा लिख परो इट इज स्पारिंगली सॉल्युबल इन वाटर इट इज सेकंड पॉइंट इज इट इज स्लाइटली स्लाइट बा स्पारिंगली कम परिमाण रे इट इज स्लाइटली soluble in water soluble in water out of point above ozone is heavier than air air tharo ozone ta kon heavy ozone ame jane ti o air ro hala air ro average mass ta kete 29 ho nai kintu ozone mass ta kete hobo 48 jehetu gote oxygen atom ro मास टा केथु एटॉमिक मास 16 तो तमरो ओजोन रो के मॉलिक्युलर फार्मूला दिस इज अ मॉलिक्युलर फार्मूला ऑफ ओजोन ओजोन मॉलिक्युलर फार्मूला कोन O3 ऑक्सीजन एटम तीनटा को नेई ओजोन टा हेजी O3 मॉलिक्युलर फार्मूला ऑफ ओजोन तो ओजोन रे केतटा ऑक्सीजन एटम अछि तीनटा ऑक्सीजन एटम गोटे ऑक्सीजन एटम रो मास रा 16 तीनटा ऑक्सीजन एटम मास केत हो 16 * 3 दैट इज 48 तो एयर मास 29 और ओजोन मास 48 तो कोन हो 3.1 ओजोन इज हेवियर देन एयर थर्ड पॉइंट ओजोन ना हेवियर बाउजनिया इट इज हेवियर देन थर्ड पॉइंट इट इज हेवियर देन या एटा हे परबो तापरे आउ उठला ओजोन ना इज डायमैग्नेटिक इन नेचर माने ओजोन रे ओजोन मॉलिक्यूल रे तमरो कोन अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट थाए तो चला को इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर इट इज डाया मैग्नेटिक इन नेचर जोड़ा कि कोन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कोन होतला पारा मैग्नेटिक इन नेचर सेमदी कोन ओजोन ना कोन डाया मैग्नेटिक इन नेचर मींस अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट तो दिस आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन हैला तो एबे हम पढ़िया केमिकल प्रॉपर्टीज एबे पढ़िया कोन केमिकल प्रॉपर्टीज तो केमिकल प्रॉपर्टीज दा ओजोन वेरी वेरी इंपोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर काउंसिल एग्जाम एंड योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन तो तुम्हारा फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज आसे ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये असला ऑक्सीडाइजिंग नेचर तो ओजोन एक्ट्स एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मनेला ओजोन एक्ट्स एज योर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बुझा पाला तो कौन पे ओजोन टा गोटे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जेहेतु तमर ओजोन टा नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर जे सेइत नै ओजोन टा गोटे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हम जान जति जे नेसेंट ऑक्सीजन बा ऑक्सीजन एटम प्रोड्यूस कला ताको हम कोन कहंती ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो सेमिति जे नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे ताको हम कोन कहंती गुड रिड्यूसिंग एजेंट तो देखो ओजोन रे कोन आसी ओजोन रे कोन O3 ओजोन मॉलिक्यूलर फॉर्म कोन O3 तो ओजोन टा कोन दिए ऑक्सीजन दिए O2 दिए प्लस नेसेंट ऑक्सीजन दिए तो O2 रे O मिसला कोन हो O3 हला रिएक्टेंट रे O3 प्रोडक्ट रे O3 तो ओजोन टा तमरो कोन नेसेंट ऑक्सीजन दिस इज योर नेसेंट ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन मींस ऑक्सीजन इज इन एटॉमिक फॉर्म नेसेंट ऑक्सीजन माने टा कोन ऑक्सीजन एटम यार किसी चार्ज नाही बुझा पाला नेसेंट ऑक्सीजन मींस ऑक्सीजन एटम हैविंग नो चार्ज तो तमरो ओजोन टा जस्ट नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करू जे तो सेइत पे ओजोन टा कोन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो मन कर जदी जे
nascent hydrogen produce koribo taku kon kahibi wood reducing agent bujha pala etik difference oxygen produce kor dile oxidizing agent hydrogen produce kor dile reducing agent ta ozon ro ebe kon oxidizing nature dekhiba ओ ओजोन ना विभिन्न प्रकार कंपाउंड आ मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करते ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कोन अन्य को ऑक्सीडाइज करबो निजे रिड्यूस हेबो मनेला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कोन बा ओजोन का काम कोन अन्य को ऑक्सीडाइज करबो ऑक्सीडाइज करबो माने अन्य रो ऑक्सीडेशन स्टेट जहां थिला बा ऑक्सीडेशन नंबर जहां थिला ताको बढे देबो ऑक्सीडेशन कर देबो आ निजे कोन हो रिड्यूस हेबो निजे कोन रिडक्शन हेबो बुझा पाला जति डिफरेंस ना तो देखो फास्ट कोन फर्स्ट इज योर रिएक्शन विद मर्क्यूरी एक नंबर रिएक्शन रिएक्शन विद मर्क्यूरी रिएक्शन विद मर्क्यूरी मर्क्यूरी माने कोन पारदर्शी वाला नाम एम ई आर सी यू आर वाई मर्क्यूरी फॉर्मूला कोन सॉरी सिंबल एचजी मर्क्यूरी सिंबल कोन एचजी तो एबे देखबा ओजोन दा मर्क्यूरी सहित रिएक्शन करके कोन प्रोडक्ट फॉर्मेशन करजी एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन विद मर्क्यूरी तो क्वेश्चन आसीबो व्हाट हैपेंस व्हेन ओजोन रिएक्ट्स विद मर्क्यूरी दिमाग के क्वेश्चन आसीबे है ना तो तमरो ओजोन ना कोन करबो मर्क्यूरी को ऑक्सीडाइज करबो अन्य को ऑक्सीडाइज करबो ना का करबो ओजोन ना मर्क्यूरी को ऑक्सीडाइज कर दो है ना तो फर्स्ट तमे देखियो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन रे जते लिखिबो तो तमरो फर्स्ट एटा सुबल एटा रहियो फर्स्ट स्टेप एटा रहियो तो जाने जाने दी कोन ओजोन ना जेहेतु बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओजोन ना कोन नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करला एडा वाला कोन फर्स्ट स्टेप तापरे एबे कोन करबो ओजोन ना मर्क्यूरी को ऑक्सीडाइज करबो मर्क्यूरी एबे लिखि कोन मर्क्यूरी को ऑक्सीडाइज करबो तो मर्क्यूरी को ऑक्सीडाइज करियो माने मर्क्यूरी सहित नेसेंट ऑक्सीजन ना मिसि जीवो ऑक्सीडाइज करबो तो मर्क्यूरी सहित नेसेंट ऑक्सीजन ना मिसि गला तो ओजोन ना मर्क्यूरी को ऑक्सीडाइज करके तमर कोन मर्क्यूरस ऑक्साइड कन्वर्ट कर दे मर्क्यूरस ऑक्साइड फार्मूला Hg2O वेरी वेरी इंपोर्टेंट फार्मूला ऑफ मर्क्यूरस ऑक्साइड Hg2O तो देखो ऑक्सीजन गोटा अछि Hg दीटा अछि तो 2Hg लिखली तो एटा सेकंड स्टेप होला तो एबे दीटा को ऐड कर दे एबे दीटा कोन करी ऐड कर दे तो देखो फर्स्ट स्टेप रे प्रोडक्ट साइड रे नेसेंट ऑक्सीजन अछि सेकंड स्टेप रे रिएक्टेंट साइड रे नेसेंट ऑक्सीजन अछि तो नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल तो रिएक्टेंट साइड रे जहां अछि रिएक्टेंट साइड लिखली प्रोडक्ट साइड रे जहां अछि प्रोडक्ट साइड लिखली तो रिएक्टेंट साइड की अछि O3 प्लस 2Hg गिव्स राइज टू Hg2O Hg2O प्लस ऑक्सीजन Hg2O ना कोन मर्क्यूरस ऑक्साइड मर्क्यूरस ऑक्साइड दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो ए ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन का जेमि देखलो तो सेमि कोन अलगा जते 10 टा में रिएक्शन बडियो समस्त पर ए टाइप रो फर्स्ट एटा एटा रहइबो कॉमन रिएक्शन तो सेकंड ना जाको ऑक्सीडाइज करबो तार रिएक्शन रहइबो तो एबे कोन देखलो ओजोन डा मर्क्यूरी की ऑक्सीडाइज करै कोन Hg2O रे कन्वर्ट करबेला जा भी एटा भी से जदी गुटे ए रिएक्शन टाइप मन रख परिबो लिखि परिबो बाय दीटा को करिकि एटा लिखले ठीक होबो बुझे बोला तो तमे एमिति कोले बेटर भूल हो नै तो देखो जते बेले ओजोन डा मर्क्यूरी सहित रिएक्शन करू जे तो कोन हो जे मर्क्यूरस ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जोडा कि मर्क्यूरस ऑक्साइड डा तमरो कोन ग्लास सरफेस रो चारि पाखरे लागि जाबे जते जो अगर टेस्ट ट्यूब ले जाओ टेस्ट ट्यूब रे मर्क्यूरी अछि ओजोन गैस पास करलो है ना पास करला माने तो मर्क्यूरस ऑक्साइड फॉर्मेशन हो ओजोन डा मर्क्यूरी को ऑक्सीडाइज करकि तो मर्क्यूरस ऑक्साइड कोन टेस्ट ट्यूब फॉर्मेशन ला तो मर्क्यूरस ऑक्साइड ए ग्लास रो चारि पाखरे बा टेस्ट ट्यूब रो चारि पाखरे कोन लागि जीवो बा कोन स्टिक हे जीवो ग्लास सरफेस रो चारि पाखरे कोन स्टिक हे जीवो तो जो दिमाई मर्क्यूरस शेप डा आगु जहा थिला मर्क्यूरस ऑक्साइड हेला पर कोन शेप डा चेंज हे गला तो एडा कोन को डिटेलिंग ऑफ मर्क्यूरी टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी एडा कोन को डिटेलिंग ऑफ टी ए आई एल आई एन जी टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी मुझे पता तो सेम एम दी तोर क्वेश्चन आसीबो व्हाट इज टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी बुझबा ना तो को रिएक्शन डाले की बटा लगे तो कोन लिखो टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी जदी मारे के क्वेश्चन आसे तो कोन लिखो ओजोन ऑक्सीडाइजेस मर्क्यूरी टू गिव मर्क्यूरस ऑक्साइड कोन फॉर्मेशन हो मर्क्यूरस ऑक्साइड जोड़ा की ग्लास सरफेस रो चारि पाखे लागि जो कोन लिखो व्हिच स्टिक्स ऑन द ग्लास सरफेस बुझा पाला व्हिच स्टिक्स ऑन द ग्लास सरफेस एंड चेंजेस द शेप ऑफ मर्क्यूरी मर्क्यूरी रो जहां शेप आगुरु थिला मर्क्यूरी ऑक्साइड हेला पर कोन शेप चेंज हो गेलो तो सेइ पय एटा कोन कोन टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी
তো জানি পেল এটা ইম্পোর্টেন্ট রিঅ্যাকশন উইথ মার্কিউরি বা কোন টেলিং অফ মার্কিউরি বুঝা গেল এটা আমি লিখব তো সেকেন্ড রিঅ্যাকশন এবারে দেখিয়া রিঅ্যাকশন উইথ লিড সালফাইড রিঅ্যাকশন উইথ সেকেন্ড কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন রিঅ্যাকশন উইথ লিড সালফাইড রিঅ্যাকশন উইথ দুই নম্বর রিঅ্যাকশন উইথ উইথ লিকুইড উইথ লিড সালফাইড এলইডি লিড সালফাইড তো লিড সালফাইড কেতে যে লিড আয়ন প্লাস সালফাইড আয়ন তো লিড আয়ন কোন পিপি 2 প্লাস সালফাইড আয়ন কোন এস 2 মাইনাস তো 2 2 কোন ক্যান্সেল হয়ে গেল তো লিড সালফাইড কেতে রে পিপিএস তো 2 ক্যান্সেল 2 ক্যান্সেল তো কোন হল পিপিএস তো লিড সালফাইড এর ফর্মুলা কোন হল পিপিএস তো তুমি ফর্মুলা মনে রাখ দিও ফর্মুলা যদি মনে নাই মানে রিঅ্যাকশন করে পারো তো রিঅ্যাকশন উইথ লিড সালফাইড তো তুমি ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি বা অর্গানিক কেমিস্ট্রি তুমি রিঅ্যাকশন কো যেতে প্র্যাকটিস করিব সেতে মনে রইব আর এমনি দেখি দিলে মনে রইব বুঝা গেল যেতে প্র্যাকটিস করি পারি তো লিড সালফাইড সহিত ওজন রিঅ্যাকশন করলে কোন হবো তো ওজনটা যেমিতি মার্কিউরি কো অক্সাইড কো অক্সিডাইজ করে দিলা সেমিতি ওজনটা লিড সালফাইড কো অক্সিডাইজ করে কি লিড সালফাইড রে কনভার্ট করে দাও মনে হলা ওজনটা লিড সালফাইড কো অক্সিডাইজ করে কি লিড সালফাইড রে কনভার্ট করে দাও তো ফার্স্ট এটা কি ইম্পর্টেন্ট রিঅ্যাকশন এটা কি আমাদের ইম্পর্টেন্ট রিঅ্যাকশন তো ফার্স্ট আমরা কোন কইলি ও3 লিখলি ও3 টা কোন যেহেতু অক্সিডাইজিং এজেন্ট ওজনটা ওজনটা কোন নেসেন্ট অক্সিজেন প্রোডিউস করলা তো ফার্স্ট স্টেপ এটা সবগুলা কমন হইব ওজন রিঅ্যাকশন মানে ফার্স্ট স্টেপ এটা না তারপরে ওজনটা কাহ অক্সিডাইজ করিব অন্য কো অক্সিডাইজ করিব অন্য আর কি লিড সালফাইড কো অক্সিডাইজ করিব তো এই কোলে কি লিড সালফাইড তো লিড সালফাইড কো কোন কলা অক্সিডাইজ করলা বা অক্সিডাইজ করলা মানে লিড সালফাইড সহিত অক্সিজেন আর তো এবে কোন হবো অক্সিডাইজ করি লিড সালফাইড রে কনভার্ট করব পিবিএসও পর লিড সালফাইড সলিউশন রে কনভার্ট করব হ্যাঁ তো এবে রিঅ্যাকশন ব্যালেন্স করলে এক অর নেসেন্ট অক্সিজেন প্রোডাক্ট সাইড আছে এক অর নেসেন্ট অক্সিজেন রিঅ্যাক্টর সাইড রে ও ও তো দেখো আউট কথা এটা অক্সিজেন কত আছে চারটা আছে এটা অক্সিজেন কত আছে গোটে অক্সিজেন আছে তো এটা কোন আছে ফোর বুঝা গেল এটা যেহেতু নেসেন্ট সরি অক্সিজেন চারটা আছে এটা অক্সিজেন গোটে আছে তো ব্যালেন্স করি কোন চারটা অক্সিজেন তো এবে দেখো ব্যালেন্স হয়ে গেল সেকেন্ড রিঅ্যাকশনটা তো উপরে দেখো ফার্স্ট স্টেপ নেসেন্ট অক্সিজেন কত আছে গোটে আছে সেকেন্ড স্টেপ নেসেন্ট অক্সিজেন চারটা আছে তো মু চাইবি যে এই নেসেন্ট অক্সিজেন কো এই নেসেন্ট অক্সিজেন সব ক্যান্সেল করি তো ক্যান্সেল করি আমি কোন এটা 4 মাল্টিপ্লাই করে দিই তো দেখো ফার্স্ট স্টেপ রে যদি চারটা মাল্টিপ্লাই করছি মানে ফার্স্ট স্টেপ রে 4 টা মাল্টিপ্লাই করলে 4 নেসেন্ট অক্সিজেন হইছি এটা 4 নেসেন্ট অক্সিজেন তবে ক্যান্সেল হয়ে যাব বুঝা গেল তো এবে দেখো এই ফার্স্ট স্টেপ রে 4 মাল্টিপ্লাই করছি মানে এই ফার্স্ট স্টেপ রে যেতে রিঅ্যাক্টেন্ট আছে প্রোডাক্ট আছে সমস্ত 4 রে মাল্টিপ্লাই হবে এটা মনে রাখি দেব আর খালি ও3 লিখো এটা কোন লিখো 4 মাল্টিপ্লাই হইছি লিখো 4 ও3 লিখলে কোন 4 ও3 প্লাস পিবিএস লিড সালফাইড গিভস রাইজ টু ইওর PbSO4 PbSO4 দেন অক্সিজেন কত চারটা অক্সিজেন দেখো সবগুডি অক্সিজেন গ্যাস বাহির হইছে সবগুডি দেখো যেহেতু ওজনটা তো আমরা অক্সিজেন গ্যাস প্রোডিউস করছি তো সবগুডি দেখো অক্সিজেন গ্যাসটা প্রোডিউস হচ্ছে তো এটা কোন কিও ওজন অক্সিডাইজেস লিড সালফাইড সলিউশন টু প্রোডিউস লিড সালফাইড তো তুমি নোট রে যেটা লিখিবো এটা লিখিবো ইয়া তো লিড সালফাইড ইয়া তো লিখিবো লিড সালফাইড মরিলা তো এটা হলো সেকেন্ড রিঅ্যাকশন তারপরে দেখো থার্ড রিঅ্যাকশন রিঅ্যাকশন উইথ পটাশিয়াম আয়োডাইড রিঅ্যাকশন উইথ তিন নম্বর রিঅ্যাকশন রিঅ্যাকশন উইথ পটাশিয়াম আয়োডাইড পটাশিয়াম আয়োডাইড মানে কোন কে আই মানে না পটাশিয়াম মিন্স কে প্লাস আয়োডাইড আর মিন্স আই মাইনাস তো কে প্লাস আই মাইনাস কোন হবে কে আই উইথ কে আই বা পটাশিয়াম আয়োডাইড সলিউশন উইথ কে আই সলিউশন তো এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিঅ্যাকশন অফ ওজন উইথ পটাশিয়াম আয়োডাইড সলিউশন এটা ইম্পর্টেন্ট বলতে বুঝা গেল একটু আগে দিন আগে কোশ্চেন আছে ওজন রিঅ্যাকশন উইথ পটাশিয়াম আয়োডাইড সলিউশন তো ফার্স্ট আমি কোন কই দিলি তো যেহেতু অক্সিডাইজিং এজেন্ট ওজন হতে ওজনটা কোন নেসেন্ট অক্সিজেন প্রোডিউস করলাম ও3 দিস রাইজ টু ও2 প্লাস নেসেন্ট অক্সিজেন এটা কমন হইলা ফার্স্ট স্টেপ কমন দেন সেকেন্ড স্টেপ ওজনটা কাহ অক্সিডাইজ করিব
পটাশিয়াম আয়োডাইডকে অক্সিডাইজ করিব এর কোন পটাশিয়াম আয়োডাইডকে ওজনটা কোন অক্সিডাইজ করিব অন্য অক্সিডাইজ করিব মানে কোন পটাশিয়াম আয়োডাইড সহিত ওজন অক্সিজেন গ্যাস এন্ড অক্সিজেন আলাদা তো অক্সিডাইজ করিলে তোমার কোন আই2 আয়োডিন ফর্মেশন হলো এটা আই হচ্ছে তখন আয়োডিন ফর্মেশন হলো আর কোন পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ফর্মেশন হলো আই2 ফর্মেশন হলো আর পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ফর্মেশন হলো তো দেখো এই সাইডে আমাদের হাইড্রোজেন নাই তাহলে কোন ওয়াটার অ্যাড করিব ওয়াটার অ্যাড করিব বুঝা গেল যে তোড়া কেওএইচ বাড়ুছি তোর কোন এটা কোন হাইড্রোজেন হবে H2O তবে দেখো আই2 ফর্মেশন হয়ে গেল আই রিটা আছে তো 2Ki পটাশিয়াম গ্যাস আছে দুইটা তোর কোন পটাশিয়াম দুইটা তারপর দেখো হাইড্রোজেন দুইটা হাইড্রোজেন দুইটা অক্সিজেন গ্যাস আছে দুইটা আছে এটা অক্সিজেন কোন গটে আছে মানে না তোর কোন 2 মাল্টিপ্লাই করলি তো 2 গ্যাস এন্ড অক্সিজেন তো 2Ki + H2O + সরি এই করে কতটা অক্সিজেন আছে দুইটা অক্সিজেন এই করে কতটা অক্সিজেন আছে এটা কত অক্সিজেন এটা দুইটা অক্সিজেন তার টু মাল্টিপ্লাই করে দরকার না দুইটা অক্সিজেন হয়ে গেল তো ব্যালেন্স করে দাও তাহলে রিঅ্যাকশনটাকে ব্যালেন্স করে দাও তাহলে তো এটা কত গ্যাস এন্ড অক্সিজেন আছে এটা গ্যাস এন্ড অক্সিজেন ক্যান্সেল রিঅ্যাক্টর সাইডে যা আছে নাকি প্রোডাক্ট সাইডে যা আছে নাকি তো লিখলি কোন O3 + 2Ki + ওয়াটার গিভস রাইজ টু ইওর আই2 + 2KOH plus oxygen gas तो ठेले को oxygen gas ले ले जाना तो ओजोन डा potassium iodide solution को oxidize करेगी iodine में convert कर देना बुझी बात लो एडा इंपोर्टेंट I2 तो तुम्हारा क्वेश्चन आ सिवा एक बार एक क्वेश्चन ले आ से what is the product obtained when ozone reacts with potassium iodide solution तो तुम कौन लिखो iodine एडा इंपोर्टेंट बुझा बोला बादी मार के क्वेश्चन रे भी आसी पालियो एडा लिखियो बुझा बोला एडा इंपोर्टेंट रिएक्शन तबर 4 नंबर रिएक्शन देखो रिएक्शन विद हैलोजन एसिड 4 नंबर रिएक्शन इज द फर्स्ट थिंग द इंपोर्टेंट रिएक्शन तबर देखो रिएक्शन विद हैलोजन एसिड 4 नंबर रिएक्शन इज योर रिएक्शन विद हैलोजन एसिड हैलोजन एसिड माने कोन हैलोजन एसिड माने की होय परियो तो हैलोजन एसिड माने हैलोजन थिबो हैलोजन माने कोन एक्स थिबो एसिड माने कोन एच थिबो माने एचएक्स हैलोजन एसिड मींस एचएक्स तो एक्स अगर हम जदी कोन क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से बस करबो तो कोन होबो एचसीएल हे परबो एचएल हे परबो एचबीआर हे परबो एचआई हे परबो हैलोजन एसिड माने कोन एगुरा हे परबो तो हम गोटा को ले जाबे एचसीएल नो ले जाबे हला तो जतबेले ओजोन ना एचसीएल सहित रिएक्शन करियो कोन प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जे देखिया तो फर्स्ट कोन लगदि कॉमन रहियो कोन O3 ऑक्सीजन दबो प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करियो जेहेतु ओजोन ना ऑक्सीडाइज गे जे फर्स्ट स्टेप गला तापर सेकंड स्टेप ओजोन ना काहा को ऑक्सीडाइज करियो हैलोजन एसिड तो हैलोजन एसिड मन कोन ले एचसीएल तो एचसीएल को ऑक्सीडाइज करियो हां नाही HCl को ऑक्सिडाइज करना तो HCl को जतळ ऑक्सिडाइज करियो तसतळ कोण क्लोरीन फॉर्मेशन होवो क्लोरीन फॉर्मेशन होवो तर देखो क्लोरीन फॉर्मेशन म्हणजे आ बाकी ना कोण HO तो HO माने कोण वाटर बसे हो तो HCl जतळ ऑक्सिडाइज होली कोण होली क्लोरीन फॉर्मेशन होजी वाटर भी फॉर्मेशन होजी तो क्लोरीन एक गोटे दुईटा आछी एक गोटे क्लोरीन तो 2 बैलेंस करली तापर हाइड्रोजन दुईटा ऑक्सीजन गोटे हाइड्रोजन दुईटा ऑक्सीजन गोटे तो रिएक्शन बैलेंस हे गला तो एबे कोन करबी दुईटा को रिएक्शन को ऐड कर दे बुझा पाला तो फर्स्ट स्टेप रे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोडक्साइड होसी सेकंड स्टेप रे नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड तो कैंसर तो एबे रिएक्टेंट साइड जहां आछ लेकिन प्रोडक्ट साइड जहां आछ लेकिन तो रिएक्टेंट साइड लिखो O3 + 2 HCl गिव्स राइज टू योर Cl2 क्लोरीन प्लस वाटर प्लस O2 ऑक्सीजन गैस बुझा बोला तो ओजोन डा HCl को ऑक्सीडाइज करी कोड कन्वर्ट हला क्लोरीन रे कन्वर्ट कर दे समिति ओजोन डा HBr को कन्वर्ट ऑक्सीडाइज करी ब्रोमीन रे कन्वर्ट करी देबो बुझा बोला तो दिस इज योर 4 नंबर रिएक्शन तो 5 नंबर रिएक्शन रिएक्शन विद सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन विद सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन विद सल्फर डाइऑक्साइड 5 नंबर विद SO2 বা সালফার ডাইঅক্সাইড SO2 মানে কোন সালফার ওটা
ऑक्सीजन देता दैट इज व्हाट कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड तो सेमिति ओजोन डा सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देबो तो फर्स्ट में हमरा कॉमन रहला O3 गिव्स राइज टू योर O2 लॉस इन एसेंट ऑक्सीजन फर्स्ट स्टेप कंप्लीट तापर सेकंड स्टेप रे कोन हो ओजोन डा सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करबो माने जेहेतु ओजोन डा कोन ऑक्सीडाइजिंग एजे ओजोन डा सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करबो त लिखली सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करियो माने कोन ओआर हबो रिड्यूस करियो माने एच आर हबो तो सल्फर डाइऑक्साइड ओ मिसला ओ2 प्लस ओ कोन हबो ओ3 तो लिखली कोन एसओ3 एबे रिएक्शन को बैलेंस करो एठे गोटा रेसेंट ऑक्सीजन एठे गोटा रेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल दैट कैन साइड इज हैज लिखो ओ3 प्लस एसओ2 गिव्स राइज टू योर एसओ3 प्लस ओ2 तो ओजोन डा सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करी कोन सल्फर ट्राइऑक्साइड रे कन्वर्ट कोला बुझा पला तो देखो जदी किसी जानि पा न एक केस देखो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट केते -4 जेतु गोटे ऑक्सीजन चार माइनस टू दी ऑक्सीजन केते -4 तो x -4 इज इक्वल टू 0 तो सल्फर केते ऑक्सीडेशन स्टेट +4 एक केस देखो सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट केते हो तीन ऑक्सीजन मींस -6 x -6 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू +6 तो सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट केते हो +6 तो देखो कोण कहिली ओजोन डा अन्य को ऑक्सीडाइज करबो अन्य में हमें सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दे माने ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जे बुझा बला तो देखो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट थिला 6 ऑक्सीडेशन स्टेट को पड़ेला माने ऑक्सीडेशन नंबर ना कोण बढ़िला तो बढ़िला माने कोण ऑक्सीडेशन कहिली तो हो जे ना तो निजे कोण रिड्यूस हला O3 टू O2 कहि गला दिस इज द रिएक्शन विद सल्फर डाइऑक्साइड हला त तब आउ देखो नंबर रिएक्शन रिएक्शन विद H2S हाइड्रोजन सल्फाइड H2S माने कोन हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड सहित ओजोन डा रिएक्शन करले कोन प्रोडक्ट दो छै ना तो लिखली O3 ना डायरेक्ट कर दो छै ना O3 H2S हाइड्रोजन सल्फाइड सहित रिएक्शन करला तो आमे जानि जति कोन ओजोन डा जा सहित मिसिबो कोन ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होबो माने एला जति ओजोन डा तमरो जा सके सुजी जत आमे रिएक्शन देखले ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करू छी जेतु कोन नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करू ओ2 प्रोड्यूस करू छी तो ओ3 टा कोन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करू छी तो एठ कोन ओ3 रु ओ2 पड़ेला हला ओ3 रु ओ2 पड़ेला आ बाकी टा कोन ओ तो ओ रहिला एठ एच2 रहिला कोन हबो एच2 ओ ओ रहिला एच2 रहिला कोन हला एच2 ओ प्लस एच2 ओ एच2 ओ पड़ेला आ बाकी टा कोन सल्फर एस रिएक्शन हो गेला तो ओजोन डा H2S को ऑक्सीडाइज करेगा ना सल्फर रे कन्वर्ट कर देला बुझ पाल O3 रु O2 पड़ेला और रहला OH2 वाटर पड़ेला S रहला बढ़ला तो ओजोन डा H2S को ऑक्सीडाइज करेगा ना सल्फर रे कन्वर्ट कर देला दिस इज योर 6 नंबर रिएक्शन तापर 7 नंबर रिएक्शन देखो तुम्हारा 7 नंबर को 8 नंबर रिएक्शन सेम अछि ना 7 नंबर और 8 नंबर रिएक्शन सेम अछि सात नंबर रिएक्शन हला विथ मोएस्ट आयोडीन विथ मोएस्ट आयोडीन तो तमरो मोएस्ट आयोडीन मोएस्ट मींस कोन माने आयोडीन सहित वाटर भी मिसि दियो मोएस्ट माने कोन ओदा दियो मोएस्ट माने कोन बुझु ओदा तो आयोडीन ना कोन मोएस्ट हे गछ माने आयोडीन ना ओदा हे गछ ओदा ही माने आयोडीन सहित वाटर भी मिसि गछ बुझवा तो मोएस्ट आयोडीन माने कोन तो फर्स्ट स्टेप हमरो कोन जानि जति ओ3 डा कोन प्रोड्यूस करे ऑक्सीजन दिए प्लस नेसेंट ऑक्सीजन दिए जे तो ओजोन डा गोटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फर्स्ट स्टेप पळेला देन सेकंड स्टेप ओजोन डा काहा को ऑक्सीडाइज करबो मोएस्ट आयोडीन को ऑक्सीडाइज करबो काहा को ऑक्सीडाइज करबो मोएस्ट आयोडीन को ऑक्सीडाइज करबो तो मोएस्ट आयोडीन रो केमिति लिखिबि आयोडीन थिबो प्लस वाटर थिबो दिस इज योर मोएस्ट आयोडीन खाली आयोडीन हले कोन I2 मोएस्ट आयोडीन मींस I2 plus H2O पानी मिसि के थिबो तो ओजोन डा एक ऑक्सीडाइज करबो तो ए मानक सहित के मिसिबो नेसेंट ऑक्सीजन मिसिबो तो नेसेंट ऑक्सीजन मिसला तो कोन दबो प्रोडक्ट तो ओजोन डा आयोडीन के ऑक्सीडाइज करके आयोडिक एसिड कन्वर्ट कर दो आयोडिक एसिड कोन ला कोन HIO3 HIO3 रे कन्वर्ट कर दो तो ओजोन हाइड्रोजन तो एडा आयोडीन दीटा अछि एडा आयोडीन गोटे अछि
तो टू बैलेंस कर ले हाइड्रोजन देटा एट हाइड्रोजन देटा तापरे एट ऑक्सीजन के ते 3 दुना 6 ऑक्सीजन एट ऑक्सीजन के चार गोटे तो 5 ऑक्सीजन एकर बाद में से कर दे तो 5 ऑक्सीजन मान नहीं तो 5 ऑक्सीजन तो सेकंड स्टेप पे कता 5 ऑक्सीजन ऊपर स्टेप रे गोटे ऑक्सीजन तो मोर कोन सेकंड ऑक्सीजन काटी बार छी तो मो कोन करबी फर्स्ट स्टेप रे केते मल्टीप्लाई करबी 5 से मल्टीप्लाई करबी बा 5 मल्टीप्लाई करबी तो फर्स्ट स्टेप रे 5 से मल्टीप्लाई करबी माने 5 को हो गेला ये 5 को हो गेला ये कैंसर तो एबे रिएक्टेंट साइड जहां से लेके प्रोडक्ट साइड रे जहां से लिखिबे हला तो रिएक्टेंट साइड लेके कोन O3 प्लस I2 प्लस H2O gives rise to your 2HiO3 तो O3 एडा मोन रखियो एडा क्लियर कर दबा पांचटा ओजोन होय जबो ओजोन से तो पांचटा आसीओ 5O3 हला 5O3 देन I2 प्लस वाटर देन 2HiO3 प्लस 5O2 पांचटा ऑक्सीजन तो अठरी लाइक ऑक्सीजन आसी बाला तो मन कि ओजोन रो जास रिएक्शन करू सबडी को ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करू छी हला तो बुझ गेलो तोड़ा बुझ गेलो तो ओजोन नाम मोस्ट आयोडीन से रिएक्शन करे कोन आयोडिक एसिड हला दिस इज योर आयोडिक एसिड आयोडिक एसिड रे कन्वर्ट कर दे मन हला आयोडिक एसिड रे कन्वर्ट कर दे तो सेमि मोस्ट आयोडिन रो जेमि देख लो सेमि मोस्ट फास्फोरस रो देखो 8 नंबर रिएक्शन विद मोस्ट फास्फोरस विद मोस्ट फास्फोरस तो सेमिति मोस्ट आयोडीन रे कोन आयोडीन प्लस वाटर सेमिति मोस्ट फास्फोरस माने फास्फोरस प्लस वाटर एटा बुझ गेलो माने ने तो ओजोनटा काहा को ऑक्सीडाइज करबो मोस्ट फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करबो तो फर्स्ट स्टेप मु कोन लिखबे O3 कोन देला ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन फर्स्ट स्टेप रे सबुनी कॉमन होयो तापरे काहा को ऑक्सीडाइज करबो मोस्ट फास्फोरस रो कोन आसीबो फास्फोरस रो कोन C4 फास्फोरस वाले ग्रुप में जैसे ऑक्सीजन तो ओड ग्रुप से फास्फोरस कौन है P4 मोस्ट लाइक मोस्ट वाटर लाइक माने कौन वाटर संगे संगे काट दियो मोस्ट वाटर लाइक माने वाटर का संगे संगे काट दियो तो P4 वाटर तो ओजोन का या को ऑक्सीडाइज करियो माने नेसेंट ऑक्सीजन ना पार्ट हो तो ओ माने को ओजोन का जब मोस्ट फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करियो सेतळ कोन फास्फोरिक एसिड फॉर्मेशन तो तमार फास्फोरिक एसिड रो फार्मूला कोन H3PO4 H3PO4 दिस इज योर फार्मूला ऑफ फास्फोरिक एसिड कोन हैला फार्मूला फास्फोरिक एसिड तो देखो एडा ऑक्सीजन रो चारटा आछि एडा ऑक्सीजन दीटा तो फर्स्ट देखो प्रोडक्ट रे फास्फोरस गोटो आछि एडा फास्फोरस चारटा आछि तो एडे कोन 4 मल्टीप्लाई करी चारटा फास्फोरस हे गला एबे देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन 12टा हे गला एडा हाइड्रोजन दीटा आछि तो 6 मल्टीप्लाई करली एडा कोन 6 मल्टीप्लाई करली तो एक और देखो ऑक्सीजन आछि 44 सुहरना सुहरना ऑक्सीजन एडे के ऑक्सीजन आछि 6टा तो आगे के ऑक्सीजन दरकार 10टा 10टा रे हमर सुहरना ऑक्सीजन रहि जइबो तो एडे कोन 10 ऑक्सीजन होसे तो सेकंड स्टेप का बैलेंस हे गला रे कोन ने तो ए देखो फर्स्ट स्टेप रे गोटे नेसेंट ऑक्सीजन आछि सेकंड स्टेप रे 10टा नेसेंट ऑक्सीजन आछि तो एडे हम केते मल्टीप्लाई करले 10टा नेसेंट ऑक्सीजन होबो तो 10 मल्टीप्लाई करी फर्स्ट स्टेप रे फर्स्ट स्टेप के तो मल्टीप्लाई करी 10 तो 10 नेसेंट ऑक्सीजन 10 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल तो सब बुड़ी सेम एडी जान देवल सब बुड़ी सेम आसो तो लिख ली कोन 10टा O3 एडा खाली O3 लिखनी 10 O3 10 O3 प्लस B4 प्लस 6H2O gives rise to H3PO4 H3PO4 तळे देखो कोण फॉस्फोरिक एसिड तळे जते सब रिएक्टेंट प्रोडक्ट ना लिख दबो तार कोण तात फार्मूला तळे ता ना लिख दबो फॉस्फोरिक एसिड वाला प्लस 10टा O2 10 O2 प्लस 10 O2 तो देखलो इन दि डायरेक्शन मोस्ट आयोडीन जेमि मोस्ट फास्फोरस रो समिति तो ओजोनटा मोस्ट आयोडीन को ऑक्सीडाइज करके आयोडीक एसिड को कन्वर्ट करला HiO3 को कन्वर्ट करला ओजोनटा मोस्ट फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करी कोन फास्फोरिक एसिड रे कन्वर्ट करी देला कोन है तो तबर 8 नंबर रिएक्शन छला तबर 9 नंबर रिएक्शन देखो
तो सब मन रखन रक्सीडाइजिंग नेचर मान ओजन टाइम अक्सीजेन प्रड्यूस कर फास्ट स्टेप ओजन टाइम अक्सीजेन प्रड्यूस कर बुझ पार।